इस तरह से इसका स्प्रे निकलता है वगैरह। अभी जो बाहर निकला स्प्रे, आपको मालूम है क्या है ये? एक केरोसिन है इसके अंदर, केरोसिन की बदबू निकाली गई है और उसमें फ्रेगनेंस डाला है और पेस्टिसाइड भी डाला है और इसको प्रेशराइज किया है एलपीजी से। मतलब ये जो निकल रहा है बाहर, ये निकल रहा है, ये एलपीजी और केरोसिन का मिक्सचर निकल रहा है। और ये जो क्लाउड है, ये हमारे घर में इस तरह से ये फैलता है और भगवान के सामने अगर दिया जल रहा है, किचन में अगर खाना पक रहा है एलपीजी इसके ऊपर और उसके कॉन्टैक्ट में चला गया तो फ्लैशबैक हो जाएगा और अंगार लग जाएगा। मतलब आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कैसे अंगार लगा। बच्चा घर में यूज़ कर रहा है, बच्चा हो गया, या घर में कोई लेडीज यूज़ कर रही है और ब्लास्ट हो गया, मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो अभी आप देखेंगे तो मालूम पड़ जाएगा आपको कैसा क्या है, क्या कितना डेंजरस है। इसको वापरने से पहले आपको ये देखना है कि घर में कोई ओपन से भगवान के सामने कोई दिया वगैरह है उसको पूजा कीजिए। लाइट चलेगा? हाँ लाइट चलेगा, लाइट कहते हैं इसलिए ओपन फ्लेम कैंडल वगैरह। घर में अगर एलपीजी वगैरह जो खाना पक रहा है तो बंद कर दीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है, लेडीज जनरली किचन में खाना पक रहा है, लेडीज आती है कॉकरोच दिखा ऐसे ऐसे मारना शुरू कर देती है और अंदर हो जाती है। आइए एक मिनट जरा बैठिए सर।